राधी राधी फ्रेंड्स, राधा माँ की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तिरंगा इडली, जो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं हमारी इडली कितनी सॉफ्ट जालीदार बनी है, कितने अच्छे कलर्स आ गए हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, उसमें ऐड करेंगे 1.5 कप सूजी, 1 कप ऐड करेंगे और उसके साथ 1/2 कप और ऐड करेंगे। पूरी 1.5 कप सूजी ले ली है और उसके साथ ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 कप ऐड करेंगे फ्रेश दही, मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जिस कप में मैंने सूजी ली थी उसी कप से नाप के 1 कप भर के मैंने पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे और पानी ऐड करते जाएंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए उसका बैटर बना लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और इस तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका बैटर बना लेना है। इसका बैटर थोड़ा गाढ़ा ही रहता है, ज़्यादा पतले बैटर की इडली अच्छी नहीं बनती है और ज़्यादा बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से मिक्स कर देंगे 5 मिनट के लिए, अब ढक के रख देंगे इसको। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी और ऐड कर दी थी, मुझे इसका बैटर कम लग रहा था। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं बैटर को। और अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है क्योंकि हमको कलर्स डालकर ट्राई कलर इडली बनानी है। तो थोड़ा थोड़ा बैटर बराबर क्वांटिटी में 3 जगह कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर, ये पाउडर फूड कलर था, मैंने पानी मिक्स करके रख लिया है और अब इसको मिक्स करेंगे। ये खाने वाला फूड कलर होता है और इसे अच्छे से डाल के मिक्स कर दिया है मैंने। इसी तरह से अब दूसरे बाउल में मिक्स करेंगे ग्रीन फूड कलर। आप इसकी बजाय पालक को पीस करके भी मिक्स कर सकते हैं और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा ग्रीन बैटर भी रेडी है। फ्रेंड्स, हमारी इडली को फुलाने के लिए इस पर ऐड करेंगे इनो फ्रूट साल 1 चम्मच। ये मेज़रमेंट का छोटा वाला चम्मच है, तो इस चम्मच से नाप कर थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच तीनों बैटर में डालेंगे। थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे, इससे वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर चाहिए, इससे हमारी इडली बहुत ही अच्छी बनेगी, फूली फूली सुपर सॉफ्ट। तो इस तरह से इसमें डाल दिया है मैंने और सारे बैटर में भी इसी स्पून से नाप कर इनो डालनी है। तो फ्रेंड्स, दूसरे बैटर में भी इसी चम्मच से नाप के मैं इनो डाल दूँगी और इसमें भी थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे। पानी स्प्रिंकल करना ज़रूरी है, इससे हमारा इनो या सोडा जो भी हम डालना चाहें वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। इस तरह से मिक्स कर देंगे और ग्रीन वाले बैटर में भी उसी चम्मच से नाप के इनो डालेंगे और थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके मिक्स कर देंगे। तरह से हमारे तीनों बैटर बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और फ्रेंड्स, मैंने सांचों को पहले से ग्रीस करके रख लिया था क्योंकि बैटर में इनो डालने के बाद तुरंत स्टीम करने रखना चाहिए। और मैंने इडली स्टैंड में भी पानी ऑलरेडी गर्म होने रख दिया है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के 3 कलर्स में इडली बनने रखेंगे हम। बैटर इस तरह से डालते जाएंगे 3 कलर्स में, इस तरह से
सारे सांचों में हम इडली का बैटर डालते जाएंगे। इससे हमारी तीन कलर में इडली बन के रेडी हो जाएंगी, स्टीम हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे सांचों में बैटर डाल के रख दिया है। यहाँ मैंने इडली स्टैंड में पहले से ही पानी गर्म होने रख दिया था, और आप एक एक करके सारे सांचे रखते जाएंगे और 10 मिनट हाई फ्लेम पर इसको स्टीम कर लेंगे। 10 मिनट में ही हो जाती हैं, और उसके बाद चेक कर लें, नहीं तो थोड़ी देर और स्टीम कर लें। हाईएस्ट 15 मिनट्स है, लेकिन हाई फ्लेम पर 10 मिनट में हमारी इडली बनके बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। तो एक एक करके मैंने सारे सांचे रख दिए हैं, और इसका ढक्कन लगाएंगे और स्टीम करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं हमारी इडली कितने अच्छे से बन गई हैं, एकदम फूल गई हैं। अब इसको चेक कर लेंगे टूथपिक की हेल्प से, इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अगर गीला गीला बैटर आता है तो थोड़ी देर और स्टीम कर लेते हैं। तो हमारी इडली बिल्कुल बन के रेडी है। अब इनको निकाल के ठंडा कर लेंगे, उसके बाद निकालेंगे सांचे में से। इस तरह से सावधानी से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से बन गई हैं सारी। तो फ्रेंड्स, हमारी इडली मैंने सारी निकाल ली हैं, अब इनको थोड़ी देर ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ठंडी हो गई हैं, और हाथ से ही आराम से निकल रही हैं। इसके लिए कोई भी चाकू या चम्मच की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जालीदार, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी हुई हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी अभी। पहले एक एक करके सारी इडली निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी इडली कितनी अच्छे से बन गई हैं, और कलर आपस में बिल्कुल नहीं मिले हैं। जिस तरह से हमने बने रखी थी, उसी तरह से सारी इडली हमारी बनी है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गई हैं। तो बच्चों को एक बार लंच बॉक्स में से बनाएं, बच्चे बड़े खुशी से खाते हैं। कलर्स की वजह से बच्चों को कलर्स की चीज़ ज़्यादा पसंद आती हैं, और इडली तो वैसे भी बच्चों की फेवरेट रहती हैं। तो उस तरह से सारी बना के रख ली हैं मैंने। तो फ्रेंड्स, हमारी इडली सारी सांचे में से निकल गई हैं, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जालीदार बनी है। इसमें अच्छे से देखिए आप, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। एक बार तोड़ने पर सारी टूट गई है, और एकदम सुपर सॉफ्ट हमारी इडली एकदम परफेक्टली बन के रेडी हो गई है। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल फ्रेंड्स।